हेलो फ्रेंड्स, अनुपम आइडियाज़ में आपका स्वागत है। हम अपने चैनल में लाइफ से जुड़े यूज़फुल टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। आज लाइफ से जुड़े यूज़फुल टिप्स में हम आपके साथ गुड़ से संबंधित कुछ जानकारी शेयर करेंगे। जो लोग हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, वो लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। तो दोस्तों, ये है गुड़। इसको इंग्लिश में जैगरी भी कहते हैं। गुड़ से संबंधित हम खास जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, ये गुड़ खरीदते समय हम लोग सभी लोग देखते हैं कि सफ़ेद गुड़ जो अच्छी सी नज़र आती, साफ बिल्कुल वाइट नज़र आती है, तो अक्सर हम लोग वही चीज़ पसंद करते हैं कि ये वाइट है, बिल्कुल साफ़ है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर। लेकिन गुड़ से संबंधित ये इसके विषय में उल्टा है। गुड़ हम लोगों को वही खरीदनी चाहिए जो रेडिश हो, जो बिल्कुल ब्लैकिश हो और जो बिल्कुल वाइट ना हो, वो गुड़ खरीदें। क्योंकि जब गुड़ को साफ़ किया जाता है तो उसके जो मिनरल्स विटामिन्स होते हैं वो काफ़ी मात्रा में बाहर निकल जाते हैं, तो उसमें वो इफ़ेक्ट नहीं रह जाता है जो गुड़ से हमें, जो नॉर्मल गुड़, जो देसी गुड़ कहते हैं उसको, जो हम उससे मिलता है, वो उसमें सारे तत्व खत्म हो जाते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी बात है कि गुड़ हम वो ख़रीदें जो लाल हो, जो सिंपल हो और जिसमें रेडीनेस हो, वो गुड़ खरीदनी चाहिए। तो ये तो गुड़ खरीदते समय विशेष जानकारी है कि वही गुड़ ज़्यादा फायदेमंद होती है। उसके अंदर सारे मिनरल्स विटामिन जो भी होते हैं वो मौजूद रहते हैं और वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो दोस्तों, अगर जिन लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम है तो वो लोग अपने कब्ज को कैसे दूर करें, अपने पाचन तंत्र को कैसे मजबूत करें गुड़ से। दोस्तों, गुड़ की अपनी जो अपना जो नेचर है, उसकी जो अपनी प्रकृति है, वो गर्म होती है, तो सर्दियों के लिए भी गुड़ बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उसकी अगर चाय बनाकर पीते हैं और अगर खाना खाने के बाद शाम को रात में सोते समय गुड़ लेते हैं, गुनगुने दूध के साथ लेते हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है और शरीर को गर्म रखने में, सर्दियों में गर्म रखने के जो ठंडक से बचाती है, उसको गर्म रखती है हमारे शरीर को। जिन लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम है वो लोग सुबह गुनगुने पानी, एक गिलास गुनगुने पानी के साथ थोड़ी सी गुड़ लें, और अगर ये डेली ऐसा करेंगे तो जो हमारे अंदर कब्ज की प्रॉब्लम होती है, जो अंदर गंदगी जमा हो जाती है, वो धीरे 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 गुड़ के में कुछ ऐसे तत्व होते हैं उसको साफ करने में मदद करते हैं और धीरे धीरे हमारी कब्ज की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत भी करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी मजबूत करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। इसमें काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। दूसरी चीज़ है गुड़ जो है उसमें काफ़ी मात्रा में सल्फेट, कॉपर और आयरन है, जिंक है, काफ़ी कुछ चीज़ें खनिज लवण जो होते हैं काफ़ी मात्रा में होते हैं, जो हमारी हेल्थ के साथ साथ जैसे मोटापा कंट्रोल करने में भी, फैट को कम करने में भी हमारी मदद करते हैं। अगर हम उसका नियमित इस्तेमाल करते रहें तो वो जो मोटापा बढ़ता है उसको बढ़ने से रोकने में भी मदद करता है और हमको फिट एंड फाइन रखता है। गुड़ में हीमोग्लोबिन बढ़ाने की भी काफ़ी क्षमता होती है। जो लोग एनीमिक हैं या हमारे अंदर जब खून की कमी होती है तो हम गुड़ का अगर नियमित सेवन करते रहते हैं तो जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा धीरे धीरे बढ़ने लगता है और हमें एनीमिया की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। खांसी है, जुखाम है या जो भी प्रॉब्लम है, जैसे उसकी गर्म तासीर जो गर्म होती है, तो अगर हम अजवाइन के साथ, अदरक के साथ गुड़ को लेते हैं तो हमें जुखाम या खांसी में भी काफ़ी राहत मिलती है। खाना खाने के बाद गुड़ को खाने से जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने में भी वो सहायता करता है। अगर हम डेली खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ सोते समय लेते हैं तो वो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ हमारे खाने को पचाने में भी मदद करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और जो धीरे धीरे जो हमारी कब्ज की प्रॉब्लम है वो भी दूर कर देता है और हमारे खून को भी बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। तो दोस्तों, ये हमने गुड़ से जो संबंधित कुछ टिप्स थे वो आपके साथ शेयर किए हैं कि गुड़ हमारी हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है और इसे खाकर हम किस तरीके से अपनी हेल्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें YouTube के कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स अवश्य दीजिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा कि हम अपनी वीडियोस किस तरीके से इम्प्रूव करें और क्या अच्छे वीडियोस आपके लिए लाएँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।